हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जी एस पादिवाकर। यहाँ में देखिए आप लोगों के लिए एक और गुड न्यूज़ है, जो EMRS यानी एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में आपका PGT की भर्ती इसकी पहले थी, उसका नोटिफिकेशन जारी हो गया था। अभी देखिए TGT का भी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो यहाँ पर हम लोग इस पूरे वीडियो में इसके सिलेबस के बारे में, क्या एलिजिबिलिटी है उसके बारे में, इसके अलावा यहाँ पर देखिए फॉर्म का डेट कब तक है, और इसके अलावा क्या क्या एग्ज़ाम पैटर्न कैसा है, सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए आप लोगों का ये TGT का जो है 1500 फीस है इसका, हॉस्टल वार्डन का जो है 1000 है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे यदि देखा जाए तो ये जो EMRS है उसमें देखिए ज्योग्राफी की सीट PGT में बहुत अच्छी खासी है, इसके अलावा हिंदी में भी लगभग 200 सीटें हैं, 154 सीट समथिंग जो है PGT ज्योग्राफी में है। यहाँ पे देखिए TGT की हम लोग बात कर रहे हैं तो TGT की जो सीटें हैं ठीक 5660 टोटल सीटें हैं ये TGT की, यानी कि और इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो आपका क्या है कि BA या BSc यानी ग्रेजुएशन प्लस जो है BEd होना चाहिए आपके पास, ठीक है। आगे भी हम लोग बात कर लेते हैं कि अलग अलग विषयों में जो जो सीटें हैं, हिंदी में देखिए 606 सीट है, इंग्लिश में 671 है, मैथ में 686 है, सोशल स्टडीज़ में 670 है, इसके अलावा आपका साइंस में देखिए 678 है, यानी टोटल जो TGT में इसमें आपका 3311 यानी 3300 सीटें हैं। इसके अलावा अन्य जो सब्जेक्ट हैं यहाँ पर देखिए जो लैंग्वेज वाले हैं तो लैंग्वेज में भी टोटल 652 सीटें हैं, और इसके अलावा देखिए जो मिसलेनियस कैटेगरी के हैं जिसमें म्यूजिक हो गया, आर्ट है, पेट है, पेट मेल और फीमेल अलग अलग सीटें हैं, बहुत अच्छी खासी सीटें हैं। देखिए लाइब्रेरियन की सीट है यानी 1697 भी ये टोटल सीटें हैं, और यहाँ पर देखिए वार्डन की जो सीटें हैं वो भी यहाँ पर मैंसन की गई हैं, मेल और फीमेल का अलग अलग वार्डन की सीटें हैं यहाँ पर। और जो इसका पे लेवल देखिए, पे मैट्रिक्स जो है लेवल 7 का है, यानी कि ये भी आपका 4600 ग्रेड पे है। और इसमें देखिए TGT में जो सब्जेक्ट है इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, थर्ड लैंग्वेज का, लाइब्रेरियन का इसमें है, और TGT के अलावा जो है ये आपका वार्डन की सीट हो गई, ठीक है। और इनका भी यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लेवल 6 का है, पे ग्रेड जो है लेवल 6 और लेवल 5 का है। मोड ऑफ एग्ज़ाम देखिए क्या है कि ये आपका पेन पेपर पे होगा, यानी कि आपका ऑफलाइन मान सकते हैं, ये OMR बेस्ड होगा, ठीक। मीडियम आप जो है यहाँ पे चूज कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में होगा। एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लें तो एग्ज़ाम पैटर्न देखिए TGT का जो होगा ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप 120 मार्क्स होगा, और लैंग्वेज वालों का जो है ये टेस्ट आपका 30 मार्क्स का होगा लैंग्वेज का। और इसमें अलग अलग मेंशन किया गया है, पूरा एकदम नवोदय वाला पैटर्न है, यानी कि जो सिलेबस आपका रहेगा नवोदय की तरह है, प्रश्न भी आपका NCERT से आएंगे। जनरल अवेयरनेस की बात करें तो 10 नंबर का, ठीक। रीजनिंग एबिलिटी 10, ICT 10, टीचिंग एप्टीट्यूड 10, टोटल हो गए ये 40 नंबर। सब्जेक्ट में तो सब्जेक्ट में देखिए आपका जो ग्रेजुएशन लेवल का इसमें दिया है कि पेडागॉजी और केस स्टडी भी आपका इसमें रहेगा, तो सब्जेक्ट यहाँ पे देखिए कितना 65 हो गया, 10 आपका किस में हो जाएगा केस स्टडी बेस में, 5 नंबर आपका जो है ये CD में होगा यानी खेलो इंडिया प्रोग्राम। अब देखिए ये एक तरह से समझिए कि पेपर आउट ही कर दिया है, कि इसमें जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 5 क्वेश्चन यहाँ से रहेगा, अब जो पेट वाले हैं ठीक उनके लिए खेलो इंडिया से भी रहेगा, तो जो नॉर्मल लोग हैं उनके लिए क्या रहेगा ये 3 है, ये टोटल हो गए 80 और 40 किसने 120 हो गए, ठीक। तो इसमें आपका इसके अलावा जो है लैंग्वेज वाला इसमें दिया है कि थर्ड यानी 30 क्वेश्चन रहेगा, लैंग्वेज कंपिटेंसी जनरल हिंदी रहेगा, जनरल इंग्लिश, रीजनल लैंग्वेज, ठीक 10 मार्क्स इस सब्जेक्ट यानी 10-10 रहेगा। दिस पार्ट इज़ क्वालिफाइंग नेचर, यानी कि ये जो है ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का है, मिनिमम 40% आपको इसमें पाना है, ठीक है। Part 1 to 5 ऑफ कैंडिडेट विल नॉट बी इवेल्युएटेड इफ़ फेल सर्टेन क्वालिफाई मार्क्स Part 4, 6, यानी यदि इसमें आप पास नहीं होंगे तो आगे वाला जो है क्या होगा वो काउंट नहीं किया जाएगा पेपर, ठीक है। अब रीजनल लैंग्वेज में ये मेंशन किया गया आगे खारी, बंगाली, डोंगरी, इंग्लिश, गारो, ये सब है खासी, ठीक। इसके अलावा देखिए यहाँ पे हॉस्टल वार्डन का जो है इसमें आपका क्या है, ये आपका टोटल 10
ये जनरल अवेयरनेस का, यानी टोटल इसमें 120 रहेगा, ठीक। एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड का 30 है और ये पॉस्को का आपका 10 है। नॉलेज ऑफ आईसीटी 20 है, रीजनिंग एबिलिटी 20 है और ये आपका जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन है। टोटल आपका 120 है, ठीक है। और इसमें ये देखिए आपका काउंट किया गया है, जबकि उसमें क्या था, टीजीटी में आपका काउंट नहीं किया गया था, वो एमआरसी बेस्ड ये आपका एग्ज़ाम है। सिलेबस देखिए इसकी साइट पे मेंशन किया गया है। अब इंस्ट्रक्शन कुछ दिए गए हैं, ठीक, इसको आप लोग देख लीजिएगा, इसका पीडीएफ हम प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। एज लिमिट की हम लोग बात करें, अब जो एलिजिबिलिटी है उसकी बात कर लेते हैं, तो टीजीटी हिंदी और इसमें देखिए आपका जो 35 साल से ऊपर आपका नहीं होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन है जो एससी एसटी ओबीसी हैं, ठीक है, उनके लिए है। और यहाँ पे देखिए आपका दिया है कि रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन एमसीआरटी एमसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन कंसर्न सब्जेक्ट, यानी 4 ईयर का जिनका डिग्री कोर्स है। इसके अलावा जिनका बीएससी ऑनर्स है, बैचलर ऑनर्स है, यानी बीए ऑनर्स है या बीएससी ऑनर्स है, ठीक है। ये लिस्ट 2 ईयर और इसमें दिया है कि 3 साल का डिग्री कोर्स हो, ठीक है। इसके अलावा आपका जो बीए बीएससी है ये तो है ही है, ऊपर अलग से मेंशन कर दिया था जो स्पेशल वाले हैं, ठीक है। इसमें दिया है कि पोस्ट वाइज इलेक्टिव सब्जेक्ट एंड लैंग्वेज इन कम्युनिकेशन सब्जेक्ट इज़ अंडर द, ये देखिए हिंदी का दे रखा है कि हिंदी एज ए सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर्स ऑफ डिग्री कोर्स, यानी बीए में यदि आपका है तो बीए में 3 साल आपका हिंदी होना चाहिए। इंग्लिश में देखिए ये भी आपका क्या है, 3 साल होना चाहिए। मैथ की बात करें तो इसमें देखिए मैथमेटिक्स के साथ जो है ये फिजिक्स चाहिए, ठीक। एंड वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट केमिस्ट्री या इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर साइंस स्टैटिक्स में से कोई एक हो जो टीजीटी मैथ देंगे उनके लिए। सेकेंड में दिया है कि ओनली 2 सब्जेक्ट ऑफ 6 मेंशनड अबव, तो इसको आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा जिनका जो सब्जेक्ट है इसमें पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बीएससी वालों के लिए टीजीटी साइंस का है, साइंस वाले देख लें, बेसिकली यहाँ पे मैं ढूंढ रहा हूँ सोशल साइंस में, ठीक। सोशल साइंस में यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है कि 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ फॉलोइंग सब्जेक्ट कम्बिनेशन एट ग्रेजुएशन लेवल, यानी कि जो बीए में आपका इन 4ों में से 2 होना चाहिए, ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल, ठीक है, और हिस्ट्री। तो इसमें दिया है कि हिस्ट्री विद ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस ये हो, या ज्योग्राफी के साथ आपका हिस्ट्री इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस हो, ठीक है, या हिस्ट्री या ज्योग्राफी हैव बीन से स्टडी, तो यानी कि ज्योग्राफी या हिस्ट्री आपका ये 3 साल हो, ऐसा हो, ठीक। इसमें देखिए दिया है कि ज्योग्राफी विद हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस, इसमें दिया है कि ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस इन विच वन मस्ट बी आइदर हिस्ट्री और ज्योग्राफी इन केस ऑफ ऑनर्स डिग्री, ठीक है। जिनका ऑनर्स है उनके लिए भी मेंशन किया गया है कि जैसे बी एच यू वाले जो हैं तो, या डी यू में भी ऑनर्स देता है, तो जिनका ऑनर्स कोर्सेज हैं उनके लिए है कि हिस्ट्री द कैंडिडेट शुड स्टडी ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स, ठीक है, एनी 2 ईयर, यानी 2 साल आपका वो रहता है ये ऑनर्स में, ठीक। तो ये तो आपका है। और जो थर्ड लैंग्वेज का है उनके लिए जो लोग हैं यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसमें मेंशन किया गया है कि पास्ट सीटेट और बीए डिग्री यहाँ पे आपका होना चाहिए, यानी कि ये देखिए आपका इस जो क्वालिफिकेशन मेंशन किया गया है इसमें यदि हम लोग आ जाएं तो ये, एंड फॉर ऑल टीजीटी, जो लोग पूरा टोटल टीजीटी हैं इनके लिए क्या मेंशन किया गया, एक और चीज़ है कि वो सीटेट पास हों, ठीक है, और बीए डिग्री उनके पास होना चाहिए। दिया है कि बीए डिग्री नॉट अप्लीकेबल फॉर 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्सेज, जिनका 4 साल का है उनके लिए बीएड की कोई अनिवार्यता नहीं है, ठीक है। तो ये लाइब्रेरियन का जो है इसको आप यहाँ से देख लीजिए, और इसके अलावा हॉस्टल वार्डन का जो है ये इसमें दिया है कि आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए आपके पास केवल, ठीक, तो आप वार्डन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये टोटल ई एम आर एस का था। इसके अलावा जिनको छूट है, जैसे एससी का 5 ईयर है, ओबीसी के लिए 3 ईयर है, ये आपके छूट यहाँ पे हैं जो एज के लिए है। वीमेन आल कैटेगरी के लिए टीजीटी में 10 साल की छूट है, ठीक, चाहे जिस कैटेगरी के वीमेंस हों उनके लिए 10 साल की छूट है। तो यहाँ से ये सारी चीज़ें आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर इतना ही, ठीक है। इसके अलावा जो पूरा सिलेबस है उसको एक अलग वीडियो में मेंशन किया जाएगा। तो इसमें इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।